नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आई नजर डालते अभी की फटाफट खबरों पर। श्रीलंका की रानिल विक्रम सिंधे ने 51 दिन बाद दोबारा ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा नेता ने जज को दी थी धमकी। कमलनाथ का बड़ा ऐलान, 70% स्थानियों को रोजगार देने वाली कंपनियों को ही मिलेगी छूट। सिख दंगों में सज्जन कुमार को सजा, लेकिन 3 और केस में एसआईटी जांच जारी। शैलजा हत्याकांड में मेजर हांडा पर आरोप तय, वारदात से पहले यूट्यूब पर देखे थे हत्या के कई वीडियो। मुंबई के ईएसआईसी कामगार अस्पताल में भीषण आग, 6 महीने के बच्चे समेत 8 की मौत, 150 जख्मी। महाराष्ट्र में आज 41,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। सीएम बनते ही बोले कमलनाथ, यूपी बिहार नहीं मध्य प्रदेश के युवाओं का नौकरी पर पहला हक। पाक पीएम इमरान खान के मंत्री का दावा, हाफिज सईद को कोई छू भी नहीं सकता। खजुराहो के पास 1.6 डिग्री, 13 से अधिक जिले शीतलहर की चपेट में, ठुठुरते हुए बच्चे स्कूल गए। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।